हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही ज्यादा खास। तो दोस्तों, बहुत दिनों के बाद यह वीडियो आ रहा है, तो देखते हैं कैसा वीडियो बनता है। तो आज हमारा टॉपिक है YouTube शॉर्ट्स के बारे में। तो जैसे कि आप लोगों को पता है, जब से TikTok बंद हुआ है तो जरूरत है TikTok यानी छोटे 30 सेकंड एक मिनट का वीडियो शॉर्ट्स प्लेटफॉर्म की जरूरत था। तो यूट्यूब ने इस बात को नजर में लेते हुए फटाफट इंडिया में सबसे पहले लॉन्च कर दिया यूट्यूब शॉर्ट्स। तो जैसे कि आप लोगों को यूट्यूब में मिलता होगा सबसे ऊपर आइकन ये यूट्यूब शॉर्ट्स, अगर नहीं मिल रहा है आपको तो आप जल्दी से जाइए प्ले स्टोर में, आप अपडेट करिए ऐप को, यूट्यूब ऐप को, तब आपको मिल जाएगा। हालांकि अब सबको मिल चुका है, शुरुआती में जब लॉन्च हुआ था तो सबको नहीं मिला था, एक दो ऐसे करके आ रहा था, लेकिन अब सभी के पास हो चुका है। आप वीडियो उस पर बना भी सकते हो और वीडियो देख भी सकते हो। जैसे आप लोग टिकटॉक पे वीडियो बनाते थे सेम टू सेम, ऐसा ही इसमें भी है। तो बहुत ज्यादा फीचर्स नहीं आया है, मतलब आप इसमें म्यूजिक सेट कर सकते हो, वीडियो के साथ लिपसिंग कर सकते हो, किसी का म्यूजिक अपने वीडियो के साथ यूज कर सकते हो, और उसके साथ साथ दोस्तों इसमें वीडियो स्लो फास्ट कर सकते हो, और बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो अभी जोड़ना इसमें बाकी है। तो यूट्यूब इस पे काम कर ही रहा है। तो फ्रेंड्स, अब इस पे बात आती है मोनिटाइजेशन की। तो क्या इस पे भी मोनिटाइजेशन इनेबल होगा, इसके रिलेटेड आप लोगों को मैं लाइव प्रूफ करके दिखाऊंगा। तो लाइव हम यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे और देखेंगे कि क्या इस पे मोनिटाइजेशन इनेबल होता है या नहीं। अगर आपका मोनिटाइजेशन इनेबल है ही नहीं तो तब तो नहीं होगा, लेकिन मतलब जिन भाई लोगों का मोनिटाइजेशन इनेबल है उस लोगों का क्या इस पे मोनिटाइजेशन इस वीडियो पे यूट्यूब शॉर्ट्स वीडियो पे इनेबल होगा या नहीं, तो इसी बात को आज एक्सपेरिमेंट करेंगे। और इसके साथ एक बात और आ जाता है निकल के कि क्या यूट्यूब शॉर्ट्स के वीडियो के वॉच टाइम क्या मोनिटाइजेशन के लिए जोड़ा जाएगा। जैसे आप इसमें 30 सेकंड या एक मिनट का वीडियो बनाते हो, जो लोग देखता है उसका मिनट क्या इस मोनिटाइजेशन में जुड़ेगा। इस बात को आज के वीडियो में नहीं बताने वाले हैं, इस बात को हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल हम आज एक्सपेरिमेंट ये करते हैं कि क्या यूट्यूब शॉर्ट्स पे हमारा मोनिटाइजेशन इनेबल होता है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले कोई सा भी गाना लेते हैं, उस पे हम वीडियो बनाते हैं और देखते हैं कि जैसे हम किसी का म्यूजिक यूज करते हैं तो उस पे कॉपीराइट क्लेम भी आता है क्या। तो चलिए एक दो गाना जरूर ट्राई करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हो यूट्यूब को ओपन करते हैं तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आता है, जिसमें आप लोग ऊपर में अपलोड वाला बटन था वो हट चुका है और यहाँ पर टिकटॉक जैसे प्लस के बीच में आ चुका है। आपको अगर YouTube शॉर्ट्स वीडियो देखना है तो सिंपली यहाँ पे शॉर्ट्स का है आइकन, उस पर क्लिक कर दीजिए, स्वाइप करिए, आपको वीडियो देखेगा। अगर वीडियो आपको मतलब बनाना है तो कैसे बनाएंगे या अपलोड करना है, तो सिंपली यस प्लस पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप क्रिएट ए शॉर्ट देख रहे हो, इस पर क्लिक करना होता है। तो सिंपली हम क्रिएट ए शॉर्ट पे क्लिक कर देते हैं। चौदह सेकेंड का तो अब क्या करेंगे, यहाँ क्रिएट ए टाइटल पर क्लिक करेंगे। कुछ आपको जो लिखना है लिख दीजिए, जैसे हम लिख देते हैं सिंपली हैशटैग लगा के शॉर्ट्स SHORTS शॉर्ट्स लिख दीजिए और सिंपली अपलोड कर दीजिए। और सेलेक्ट ऑडियंस में आपको यहाँ पे नोट इट्स मेड फॉर किड्स पे क्लिक करना है और अपलोड पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो कुछ इस तरह से वीडियो अपलोडिंग हो जाता है। वीडियो बनने के बाद मतलब वीडियो बन रहा था उस वक्त का ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ है, तो हम इसलिए आप वीडियो प्ले करके दिखाते हैं क्या हुआ है इसके साथ। तो चलो भाई प्ले हो ना, प्ले नहीं होता है ये देखिए। हम चलते हैं दूसरे अकाउंट, अपने अकाउंट से नहीं देखेंगे, चलिए हमारा एक चैनल है फैक्ट डूम उससे देखेंगे। चलो तो सर्च कर लेते हैं, ऐसे नहीं आएगा तो हम चैनल पे ही सर्च कर लेते हैं। ये देखिए शॉर्ट्स नीचे में हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कॉपीराइट क्लेम शायद लगा है क्योंकि डाउनलोड वाला ऑप्शन हट चुका है। तो फिलहाल हम यह वीडियो अभी डाले हैं एक्सपेरिमेंट के लिए, आप लोग कुछ इसमें मतलब गड़बड़ मत करिएगा। तो अब हम यूट्यूब क्रिएटर स्टूडियो में चलते हैं और देखते हैं कि इस पर क्या मोनिटाइजेशन इनेबल होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो हमने गाना यूज़ किया है और यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम लग चुका है।
तो क्लेम लग गया है, तो इसलिए इस पे तो आप लोगों को पता है क्लेम लग गया है तो मोनिटाइजेशन इनेबल नहीं होगा, यानी कि 14 सेकंड में ही क्लेम लग गया है। तो चलो सेव करो, सब लोग देख रहे होंगे अभी परेशान, चलिए हटा दिए। और तो क्लेम लग गया तो नहीं आया, तो अब हम बढ़ाएंगे बिना म्यूज़िक के वीडियो और देखते हैं उस पर क्लेम आता है या नहीं। तो सिंपली यूट्यूब पे चलते हैं, आप अपने अकाउंट में चलते हैं, चलिए अपलोड पे क्लिक कर रहे हैं। अभी अब ये भी वीडियो है जो कि वीडियो बनाने के लिए स्पेशल वीडियो बन रहा है कि एक्सपेरिमेंट के तौर पे, इसे तो यहाँ पे नेक्स्ट कर दिए। और इस जैसे कि आप लोग देख रहे हैं वीडियो अपलोड हो चुका है, अब हम वीडियो प्ले करते हैं तो आप लोग इसमें साउंड भी सुन अभी अब ये भी वीडियो है जो कि वीडियो बनाने के लिए स्पेशल वीडियो बन रहा है। तो अब हम क्रिएटर स्टूडियो में चलते हैं और देखते हैं क्या इस पे मोनिटाइजेशन इनेबल होगा। तो क्रिएटर स्टूडियो को ओपन किए कुछ इस तरह से, और देखिए 6 से 7 व्यू चला गया है। और इस पे वीडियो पे क्लिक करते हैं, वीडियो पे क्लिक करने के बाद कैंची पे पेंसिल पे क्लिक करके मोनिटाइजेशन टैब में जाएंगे, मोनिटाइजेशन इनेबल कर देंगे, तो उसके बाद सेव कर देंगे। तो देखते हैं क्या सेव होता है इसमें कि नहीं होता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो रीड सेव हो चुका है। अब यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे तो डॉलर का भी आ चुका है चीन, जो मोनिटाइजेशन इसका मतलब इसमें भी इनेबल होगा। तो यहाँ तक तो क्लियर हो चुका है कि YouTube शॉर्ट्स पे भी मोनिटाइजेशन इनेबल हो जाएगा। और यहाँ पे बात करते हैं किसी का, आप अगर म्यूजिक 14 सेकंड के कम भी यूज करते हैं ना, उसके बाद भी कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। क्लेम आता है तो वैसे आप लोग को पता है मोनिटाइजेशन उस पर नहीं चलता है, और अगर क्लेम ना आए तो इस पर आप मोनिटाइजेशन ऑन कर सकते हो। और फ्रेंड्स इसके बाद एक बात सिर्फ रह जाता है कि क्या आप इसका वॉच टाइम वीडियो में जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा। तो हमें लगता है जुड़ेगा, लेकिन आपको फाइनल अभी नहीं बता रहे हैं। अगर जुड़ेगा तो इसके लिए हम एक नेक्स्ट वीडियो, मतलब बढ़िया वीडियो बनाएंगे, स्पेशल वीडियो। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो समझ में आया होगा, थोड़ा मजा भी आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।